तो वजह है दोस्तों, अभी 12:05 और हम है करगी रोड कोटा के नाका में। अब जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए छपरवा। हर साल की भांति जय जय थोड़ी काल रात्रि मैया की जय। बोलिए काल भरो बाबा जय। हाँ नींद पूरा नहीं हुआ है ठीक है। हाँ और रास्ते में पड़ता है पुष्कर नंबर पेट्रोल पंप, यहाँ हम डलाएंगे फ्यूल और इन्हीं का है ये पेट्रोल पंप। ये हमारे भाई साहब का सज्जन व्यक्ति कहते हैं, यही सज्जन व्यक्ति हैं जिनका फ्यूल है। धीरेन्द्र है क्या जो हमारे सारथी के 15 किलोमीटर वो है रास्ता, थोड़ा सा नहीं बहुत खराब है इसलिए टाइम लगेगा। स्पीड में लगभग ना 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। और ये है हमारे दिनू भाई का ढाबा, चले रख सकते हो। मैं नहीं खाऊंगा, जो लोग हम लोग नहीं खाएंगे, बाकी मेरा भी चांस नहीं है खाने का, इसको खाने की इच्छा तो नहीं। रख ले थोड़ा सा। हां दो तो बस ये है थोड़ा बहुत हम लोग का खाने पीने का शॉपिंग। ये है दोस्तों एक चौक, जहाँ सीधा जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि लोरमी पंडरिया, और हमको जाना है अमरकंटा की ओर छपरवा रोड, तो हम मुड़ जाएंगे राइट। बंटी भैया ये लोग का कान सुने कि नहीं, हमको मिल गया छपरवा का रास्ता। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं शिवतरई, ये है प्रशिक्षण केंद्र तीरंदाजी का। ये है अचानक मां टाइगर रिजॉर्ट पर्यटक कुटीर, यहाँ पे है रिसोर्ट गवर्नमेंट और आलू कहाँ मिलता है क्या बोलते हैं आलू तो अपने उधर वन विभाग का रिसोर्ट है ये, डैम के बगल में। और देखते हैं पहला बेरियल आने वाला है, वैसे तो काफी रात हो गया है, यहाँ का प्रोसेस क्या है पता करते हैं, क्योंकि यहाँ टाइगर रिजर्व होने की वजह से यहाँ बेरियल में पर्ची मिलेगा हम लोग को। संदीप ही जा रहा है यार, चलो बढ़िया है, तो हम लोग यहाँ से लेंगे पर्ची। ये बन गया गोलू और सफ़ेद इसमें, गोलू तो हम लोग वहाँ मिले ना, कैसे निकल लिया। तो आगे के प्रोसेस के लिए मैं और अमन जाएंगे। अमन एक तो वीडियो बन गाड़ी नंबर देखेंगे यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोसेस सीजी 25 3785। यहाँ से मिलेगा हम लोग को पर्ची, मिलेगा वन विभाग से। जय श्री राम भैया, लास्ट टाइम भी इनकी गाड़ी जब हम लोग जा रहे थे तो वापस आ रही थी, पिछले बार ना आप अच्छा बहुत डरे थे कोई मिला रे भाई कर। तो हमारा हमको परमिशन मिल गया है जाने के लिए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अचानक मठ टाइगर रिजर्व में एंट्री करते हैं। ये है यहाँ का रिसोर्ट, देख लो ये अंधेरे की वजह से नहीं दिखेगा, लड़ाई करते हुए मैं दिखा दूंगा। यहाँ से शुरू होता है टाइगर रिजर्व अचानक मार। भैया आपको पूरा पता है कहाँ कहाँ पे कौन सा जानवर दिख गया है? अभी 36 मिनट हुए हैं, अभी बजे हैं रात के 12:36। तो अष्टमी लग गया ना आज, अष्टमी नहीं सप्तमी, काल रात्रि यार, रात्रि चल रही है। हाँ नौ रात्रि है चंद्रकांत भाई। यहाँ पे है हमारे बैगा बाबा आश्रम शिवतरई, 2 मिनट गाड़ी रोक लेना ना, यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रोकेंगे बाबा से मिलना। यहाँ पे इस जंगल में अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ बाबा जी के सामने सर झुकाया जाता है। जय भोलेनाथ भाई साहब, खोल दे बाबा को। महादेव बोले बाबा रात में मत जाओ, हाँ घंटी मत बजाओ। जय शंकर, बड़ा जानवर है अभी दिखेगा ना भाई, काहे टेंशन ले रहा है। अंदर में ना एक नाग गुफा है, यही मतलब शिव तरह के मिट्टू बाबा करके थे वहाँ, बहुत सारे नाग है मतलब सांप है बहुत सारे वहाँ, मतलब जल्दी इसको जा नहीं सकता उस गुफा में। यही अंदर में अंदर में अंदर में अच्छा
वहाँ से तीन तो शिवलिंग लेके आए थे। अच्छा, एक शिवलिंग को कम से कम 5-10 आदमी नहीं उठा पाते हैं। लाने वाले कौन थे? और मिट्टू बाबा। अच्छा, मिट्टू बाबा, ये वाला डिटेल्स हमको नहीं पता था। बहुत पुराना है ना, बहुत ज्यादा पुराना। माने बाबा लोग भी जब आते थे बताए, यहाँ पे बैला लगाड़ी रोक करके यदि यहाँ पैर पड़ के नहीं गए माने आगे कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। हाँ, और यदि यहाँ वो करके गए तो अरे ऐसी चले जाओ बोलते। हाँ, मैं कोई वो नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, चीजें कड़ी तो इस रास्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पाबंदी लगाई गई है, लेकिन आज सप्तमी की रात होने की वजह से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं इन लोग सब मंदिर से। उनके सामने सर झुकाना है कि हम आपके जगह में जा रहे हैं, आप हमारी मदद करो ऐसा। और मिट्टू बाबा ना एकदम काफी लंबा उसकी जटा थी भैया। अच्छा, पैर से भी लंबी उनके बाल थे। हाँ, और जब वो ना पूरा जटा खोलते थे ऐसा करके तो हमारे यहाँ मतलब गाड़ी नहीं टिकती थी, फोर व्हीलर। अच्छा, मतलब आते थे ना तो घटना हो जाती थी कुछ ना कुछ। हाँ, उसे एक्सीडेंट ये वो ऐसा लंबा चौड़ा ना। तो फिर एक बार चाचा का शौक था तो पापा को बोले चाहिए मतलब ऐसा वाला। तो फिर उस टाइम पे ना वो गाड़ी को यहीं लेके आए थे, मतलब तब मेरे को याद है। उस टाइम ही मतलब पापा को वही वाला सीन मेरे को याद है। तब ना वो जटा खोल के ना मतलब गाड़ी पे कुछ पटक के ऐसा करके कुछ बांधे थे। अच्छा, बोले थे जब तक ये इस चीज ये इसमें बंधे रहेगा मतलब गाड़ी में रहेगा तब तक इसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो उसके बाद वो भी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना। अच्छा, इत्तेफाकन ऐसा सिचुएशन बना कि उसको खोलना पड़ा, मतलब उसमें जो बांधे थे उसको। हाँ हाँ, और जैसे उसको खोले उसको रिटर्न आ रहा था ना एक्सीडेंट। तो अब हम लोग आ गए हैं घाटी पे, यहाँ से घाटी की शुरुआत हो जाती है जो लगभग 3-4 किलोमीटर तक रहेगी। ये देखिए कैसे टर्न लेगी ये। चेक पोस्ट है, देखते हैं। वैसे तो बेरियल खुला हुआ है, दोबारा नहीं है, क्या रूल है यहाँ का? ये इस साइड का भी था ही नहीं। संदीप जाना नहीं है। चलो तो शायद आज जाने की परमिशन है इसलिए कुछ नहीं लगेगा। सील लगवा लेना बोला वो वहाँ मंदिर में, मंदिर के बाबा से लगवाना है, तब जाके ऑथेंटिक है कि हम लोग वहाँ से आ रहे हैं। ये बेरियल शायद बंद है, यहाँ जगह लगवाना पड़ेगा, यहाँ लगवाना पड़ेगा। मैं तो हमारे संदीप भाई जाएंगे। नहीं जगह है, जग रहा होगा ये, वो लगा के रखा ना बेरियल के, इसलिए। ये हमारे वन विभाग के भाई साहब बेरियल लगाया है, मतलब वो जग रहा। अरे उनको बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ भी टेंट हाउस तो हमको मिल गया परमिशन, अब खुलेगा बेरियर। ये खुल गया, बढ़ेंगे हम आगे। प्रिंसिपल का ग्रेड जो है ना ठीक है, लेकिन जय माता, प्रिंसिपल की संख्या है 100। कुछ तो बैठा है खरगोश। ये है खरगोश, ये पूरा हिरण का झुंड है। नजदीक जाते हुए। हाँ, लाइट उधरी रहे, पूरा झुंड है ना, दिख नहीं रहा अच्छे से बस। चलो, इनका एरिया है, घूमने देते हैं इनको। वो चला गया होगा अंदर, अब दोबारा नहीं दिखेगा।
ये यहाँ पे वो मूवमेंट किया होगा ऊपर में चढ़ के ना? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। आ, वो अलग ही दिखा है पूरा, कोहरा तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पक्का धूल है ये। डेढ़ बज गया दोस्तों और हम पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर। 12:36 में यही तो है एंट्री। जय माता दी। गाड़ियाँ तो हैं, ये तो द्विवेदी जी है ना, प्रतीक। बहुत जल्दी लोग दर्शन करके निकलेंगे, वही है ना, उसी के चक्कर में उन लोग जाके आरती अटेंड करेंगे। जय माता दी। तो पूरा वो उन लोग है क्या, चौक से लोग? जय श्री राम भाई लोग, दिख नहीं रहे हो लेकिन आ रहे हो। जय माता दी। अमन बहुत देर से हो ना आप लोग? हम लोग को संध्या निकल गए। संदीप लोग जल्दी निकल गए। वो लोग आए आते होते क्यों निकल गए? यह है छपरवा का माता दी का मंदिर और हम लोग पहुंच गए लगभग 1:25 के आसपास। दोस्तों ब्लॉग यहीं पे आप कंप्लीट करते हैं और हम लोग दर्शन करेंगे। जय माता दी। तो हम लोग दर्शन कर लिए हैं, अब हमारे अमन भाई एक बार पुनः जस गीत प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं बिलासपुर आ रहे हैं तो पहले करगी रोड कोटा नाका चौक आएंगे, फिर अमरकंटक रोड